कहा, वो सीखी किया उन लोगों ने। जब अच्छी बात है कि वो जो अपनी वास्तविक धरातल मान रहे हैं, और पिछली बार उनको अब एहसास हो जाएगा कि जो उन्हें सीटें मिली थी वो नीतीश जी के कृपा से मिली थी, वरना इस बार वो 3 सीट भी नहीं जीत पाए। देखिए, हमारे यहाँ कांग्रेस है ही नहीं, और कोई इस कोरोना के संकट में बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं कि खुद जिस के भरोसे कांग्रेस चलना चाहती है वह खुद चुनाव से भाग रहे हैं, और वह खुद कह रहे हैं कि किसी तरह चुनाव टाला जाए, चुनाव हटाया जाए। तो जब नेताजी ही खुद चुनाव से भाग रहे हैं तो फिर बाकी की बात क्या। लेकिन एक जिसको भी हम कहें जो भविष्य का क्या कैसा बिहार या भारत होगा, उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज दिया, और आज उस आत्मनिर्भर पैकेज के जो भी प्रमुख भारत जो थे आधार थे, वह सभी आधार आज कहीं न कहीं उसकी एक पूरी रूपरेखा बन चुकी है, उसकी एक संरचना बन चुकी है। एक बहुत बड़ी मदद हम देख रहे हैं कि लोगों को मिलना शुरू हो गई। अगर केवल हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड का लॉन्च रखा था, उसके तहत आज 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बन चुके हैं। वैसे ही एमएसएमई सेक्टर के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने मदद का लक्ष्य रखा था, लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए उसका उपयोग किया है हमारे लघु उद्योगों ने। इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाएं दी हैं उनका उपयोग तो हो रहा है, पर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि बिहार इसका उपयोग करने से पीछे छूट गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि आत्मनिर्भर भारत के जागरूकता का अभियान हर गांव में चलाएगी, और हर गांव के गरीब जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो शहरों में रेहड़ी वाले हैं, वह कैसे इस आत्मनिर्भर पैकेज का लाभ ले सके, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस पूरे पैकेज से उनके गांव के लोग कैसे लाभ ले सकते हैं, इसकी जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने किया।